नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 20 जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। शोभन नाम संवत्सर है सूर्य का, उत्तरायण चल रहा है। हेमंत ऋतु है, पौष महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। नक्षत्र कृत्तिका है, योग शुभ है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह कर है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 7:10 से लेकर 8:32 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर 1:02 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ काल भी कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:54 से लेकर 11:16 तक और यमगंडा काल दोपहर 2 बजे से लेकर 3:22 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। सुबह 8:53 के बाद यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा रवि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, इसी प्रकार नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के वैया भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात आज के दिन होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। आपके जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो दिन बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे या फिर दोस्त वर्ग होंगे उनके उनमें आपसे जो बड़े रहेंगे बुजुर्ग रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के वैया भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:53 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। दशम भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली दिन है आपके लिए। आज के दिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लोगे वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटे मोटे स्ट्रेस आज के दिन आ सकते हैं, लेकिन दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:53 के बाद यह चंद्रमा आपके वैया भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। छोटी मोटी बातों के लेकर स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकते हैं। जो काम आप हाथ में लोगे वो पूरे होने में दिक्कतें आ सकती है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस आज के दिन बढ़ सकता है। खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आज के दिन आ सकते हैं।
इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 8:53 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में से रवि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, सप्तम भाव में से शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके अष्टम भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आज के दिन होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, षष्ठ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके सप्तम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, काफी ज्यादा भाग्यशाली भी साबित होगा। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। जो भी इंट्यूशंस आपको आते हैं जरूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके वे आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। तो दिन काफी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, आपके चतुर्थ भाव में से रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, और आपके षष्ठ भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां आज के दिन आने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आज के दिन हो सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, आपके तृतीय भाव में से रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, और आपके पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनुराशि। धनुराशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां आज के दिन सामने आ सकती है। उसी प्रकार आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना, वो पूरे होने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। उसी प्रकार आपके जो आज के दिन आपके कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, तो दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि का पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके तृतीय भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, समय काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। सिर्फ आपकी जो स्पेंडिंग खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के बेय भाव में से रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, आप ही के राशि में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके द्वितीय भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार आपकी हो सकती है, लेकिन दिन जैसा आप चाहते हो उस तरह से बीत सकता है।
इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि का तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में से रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में लग सकते हो वो, और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन आ सकता है, उससे थोड़ा बचना होगा, लेकिन आज आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 20 जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।